नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। जब झारखंड अलग राज्य बना तो बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। आज वे 66 साल के हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह के पिछड़े इलाके कोडिया बैंग में हुआ था। बाबूलाल ने अपनी स्कूली शिक्षा गाँव से ही प्राप्त करने के बाद गिरिडीह कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट तथा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। संघ से पूरी तरह से जुड़ने से पहले बाबूलाल मरांडी गांव के ही एक स्कूल में अध्यापक थे। साल 1983 में वे दुमका जाकर संथाल परगना डिवीजन में काम करने लगे। साल 1989 में बाबूलाल मरांडी की शादी हो गई और उनकी शादी शांति देवी से हुई। बाबूलाल और शांति देवी को एक बेटा भी हुआ, अनूप मरांडी। हालांकि 27 अक्टूबर 2007 को झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी कुछ सालों तक विश्व हिंदू परिषद के सचिव भी रहे। साल 1991 में वे पहली बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन से हार गए। इत्तेफाक देखिए कि आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का भी जन्मदिन है। बहरहाल साल 1998 उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पार्टी की कमान सौंपी और उसी साल उन्होंने शिबू सोरेन को हरा दिया, जिसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। साल 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ तब वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके हाथ में सत्ता तो आ गई, लेकिन राज्य के सामने उस वक्त कई चुनौतियां थीं। हालांकि जदयू के हस्तक्षेप के बाद बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ा और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे अर्जुन मुंडा। फिर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी इकलौते ऐसे शख्स थे जो झारखंड में भाजपा की ओर से चुनाव जीते थे। हालांकि इसके दो साल बाद यानी साल 2006 में उन्होंने भाजपा से अलग होने का फैसला लिया और झारखंड विकास मोर्चा नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया। इसके बाद भाजपा के 5 विधायक भी भाजपा छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो गए। फिर कोडरमा उपचुनाव में वे निर्विरोध चुन लिए गए। बाबूलाल मरांडी ने 17 फरवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसे कि अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की उपस्थिति में रांची के जगन्नाथपुर मैदान में झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय कर दिया। साल 2023 के जुलाई महीने में उन्हें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा। इसके बाद से ही बाबूलाल झारखंड के राजनीति में बेहद सक्रिय हैं और सरकार पर लगातार हमलावर रहते हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है अगर साल 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो बाबूलाल मरांडी ही झारखंड के अगले CM होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है अभिषेक ने, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।